गुड मॉर्निंग क्लास ईयर, अगेन आई एम के एन मिश्रा, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, एट प्रेजेंट वी आर स्टडिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट इंसुलेटर्स, अबाउट कंडक्टर्स, अबाउट कंडक्टिविटी इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ओनली टर्बिड वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो मिनरल वाटर या टर्बिड वाटर है या सॉल्टी वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और अगर वो डिस्टिल्ड वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपकी बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी ऐसी दी हुई हैं जिसमें लेमन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक एंड शुगर एडेड वाटर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो प्लेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। प्लेन वाटर का मतलब कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस्टरडे यू हैव स्टडीड अबाउट द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 6 हमने कहा था आप पढ़िएगा। हमने बोर्ड पे आपको समझा भी दिया था टू स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। एक्टिविटी 7 भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्टिविटी 8 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें पोटैटो के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना था। नाउ ओपन पेज नंबर 189। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पेज नंबर 189, सेकेंड रेडिंग पे आइए। अप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट का क्या यूज है, क्या इसका अप्लीकेशन है हमारी लाइफ में, ये हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ये जो पोटैटो वाली एक्टिविटीज में दी हुई है, पढ़ा है आप लोगों ने इसको, पोटैटो वाली एक्टिविटी ये पढ़ी है, पढ़े हैं सब लोग। चलिए, इसमें क्या किया गया है, ये मैग्नेटिक कंपास है, ये बैटरी है, बैटरी का एक वायर ला करके हमने यहाँ पोटैटो के कट पीस में लगा दिया है, और इलेक्ट्रिकल वायर का दूसरा जो पोर्शन है उसको भी हमने दूसरे साइड में पोटैटो में एम्बेडेड किया हुआ है, और एक साइड इसका ले जाके हमने मैग्नेटिक कंपास से अटैच किया है। क्या होगा, आपको पता है ये पोटैटो जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पता है आप लोगों को? इसलिए करता है क्योंकि पोटैटो के भीतर स्टार्च का सोल्यूशन होता है, तो वो स्टार्च कैसा हो गया, वही टर्बिड वाटर वाली बात हो गई, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इसमें। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, और एक स्टूडेंट नैन्सी मिश्रा है जिसने हमसे पूछा था कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, बहुत ज़्यादा आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, एक ही लाइन लिखा है, लेकिन हम आपको समझाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं नैन्सी मिश्रा, आयुष पांडे, रजनीश चौधरी एंड प्रतिभा चौधरी, लिसन वेरी केयरफुली अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। अगर इसको हम मान लें ये सॉफ्ट आयरन है, इस सॉफ्ट आयरन के चारों तरफ अगर हम रैप कर दें कॉपर का वायर, ठीक है, उस कॉपर वायर का एक एंड हम एक टर्मिनल से बैटरी के और दूसरा एंड हम दूसरे टर्मिनल से बैटरी के जोड़ दें, ठीक है, जोड़ दिए, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इस कॉपर वायर में तो ये जो सॉफ्ट आयरन है जिस पे हमने रैप किया है कंडक्टर, एक कंडक्टिव वायर हमने इस पे रैप किया हुआ है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उस वायर में तो ये जो सॉफ्ट आयरन है ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नैन्सी, आ रहा है समझ? तो इसका क्या यूज़ फिर हम करते हैं, आपके घर में जितने भी फैन लगे हुए हैं, वो चाहे सीलिंग फैन हो, चाहे वो टेबल फैन हो, चाहे वो आपका
चाहे वो आपका एग्जॉस्ट फैन हो जो घर में लगा होता है, तो जितने भी फैन हैं उसमें यही चीज़ की जाती है। उसमें एक सॉफ्ट आयरन होता है, वो सॉफ्ट आयरन रैप रहता है कॉपर के या किसी भी कंडक्टर के वायर से रैप रहता है। जब इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये सॉफ्ट आयरन बिहेव करता है एज अ मैग्नेट। तो जब ये एज अ मैग्नेट बिहेव करता है तभी आपके फैन के ब्लेड्स जो हैं वो घूमते हैं और आपको हवा लगती है। ठीक है, यही चीज़ एग्जॉस्ट फैन में होता है और यही चीज़ आपके जो टेबल फैन है उसमें भी होता है। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से सॉफ्ट आयरन या कोई भी आयरन मैग्नेट बन गया, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने से कोई केमिकल डिसोसिएट हो जाए, ब्रेक हो जाए, इसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब हम आपको बताते हैं एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है ये केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का। हमने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे बेनिफिशियल है, बिकॉज बाय द यूज ऑफ दिस थ्योरी वी कैन मेक फैंस विच प्रोवाइड अस एयर ड्यूरिंग समर सीजन, एग्जॉस्ट फैन विच पुश आउट द अनवांटेड एयर फ्रॉम योर किचन। ठीक है, ये सब इसके अप्लीकेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का क्या अप्लीकेशन है लिखा हुआ है, वन ऑफ द यूज ऑफ केमिकल इफेक्ट इज क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हैव यू हर्ड द नेम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसको बोलते हैं, हैव यू हर्ड, चलिए हम बताते हैं आपको। कल वाली एक्टिविटी पे चलते हैं। कल एक एक्टिविटी हमने आपको बताई थी जिसमें एक बीकर था, इस बीकर के भीतर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा हुआ था, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड हमने लगाए थे, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, दो इलेक्ट्रोड हमने लगाए थे और इन इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन हमने कर दिया था बैटरी से। इन इलेक्ट्रोड का कनेक्शन बैटरी से अगर हम कर देते हैं तो क्या होगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू दी इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का था, ये कॉपर का प्लेट है, कॉपर का ये प्लेट है, सीयू प्लेट। ठीक, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम डिसइंटीग्रेट, डिसोसिएट, ब्रेक्स। ये कॉपर सल्फेट ब्रेक हो जाता है, जब ये कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा तो क्या होगा, Cu बनेगा प्लस SO4। तो Cu पे प्लस होता है, SO4 पे माइनस होता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव आयन वाला कॉपर है ये चला जाएगा नेगेटिव आयन, इसमें से जो एनोड होगा एनोड वाला कॉपर प्लेट उस पर चला जाएगा और ये कॉपर उस पर डिपॉजिट होगा। याद आ रहा है कल भी हम समझाएं, तो एनोड में कॉपर डिपॉजिट होगा जिसकी वजह से वो एनोड वाला जो प्लेट है वो ब्राइट कलर का दिखाई देगा, क्योंकि कॉपर उस पर जाके कलेक्ट हो गया है। कॉपर में पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सिंबल है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के पास जाता है तो ये माइनस जो है हमेशा प्लस के पास जाएगा, यानी कि इसमें से एक प्लस होगा एक माइनस होगा, प्लस वाले को कैथोड का तो ये कैथोड पे जाएगा और इसमें प्लस आए हैं इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन अधिक है, एक प्रोटॉन अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन वाले पे जाएगा यानी कि माइनस वाले पे जाएगा। तो माइनस अगर ये है तो इसका तो माइनस वाले पे जाएगा और ये कॉपर मेटल है ये मेटल डिपॉजिट होने लगेगा।
ये एक्टिविटी हम लोग कल पढ़े थे। अब आज हम आपको इसी को दूसरे रेफरेंस में बता रहे हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम सुना है आपने? इसका नाम सुना है? यहीं पर हम बता देते हैं इसी डायग्राम में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं अगर हमको कोई स्टेनलेस स्टील का स्पून है, उसे स्टेनलेस स्टील के स्पून पे गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। अब ये इलेक्ट्रिकल करंट से होता है, इलेक्ट्रिक करंट से इसलिए इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट से नहीं होता तो हम इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं बोलते, ठीक है। तो अगर हमको एक स्पून है वो स्टेनलेस स्टील का है या आयरन का है, तो उस स्पून को हम इसमें डाल दें, ठीक। अब सेम प्रोसेस अपनाएं, हमने इसमें डाल दिया है कॉपर सर्किट का, कॉपर की प्लेटिंग करनी है हमको आयरन पे, तो क्या करेंगे, कॉपर का जो स्पून है उसको हम बना देंगे एनोड, ठीक। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे इस सॉल्यूशन से, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डिसइंटीग्रेट होगा, यानी कि ब्रेक होगा, कॉपर अलग होगा। तो कॉपर का जो आयन है, प्लस या माइनस चार्ज हो तो उसको आयन बोलते हैं, कल हमने बताया था। तो ये जो कॉपर का आयन है, ये कॉपर का आयन उस प्लेट पे जो भी एनोड है, स्पून पे, स्पून हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो उस स्पून पे जाकर डिपॉजिट होगा कॉपर। तो थोड़ी देर के बाद वो जो आयरन का स्पून था वो बाहर से आपको दिखेगा जैसे कॉपर का है, ठीक। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऐसे ही आपके घर में जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, तो लोग क्या करते हैं कि सिल्वर की ज्वेलरी बनवा के उस पर गोल्ड का 24 कैरेट गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा लेते हैं, तो वो ज्वेलरी लगती है बिल्कुल जैसे गोल्ड की, एकदम ताज़ी ताज़ी, अभी तुरंत आई है फैक्ट्री से बन के। उसमें भी ऐसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है गोल्ड की। इसमें हम गोल्ड का सोल्यूशन रख लेंगे और यहाँ पे हम वो ज्वेलरी रख देंगे जिस ज्वेलरी पर प्लेटिंग करनी है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो गोल्ड ब्रेक होगा और वो गोल्ड आकर के एनोड पर, यानी कि उस सब्सटेंस पर डिपॉजिट होगा जिस सब्सटेंस पर हमको गोल्ड प्लेटिंग करनी है। आगे समझ में सकते हैं? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और ये एक्टिविटी 9 में लिखा भी हुआ है। एक्टिविटी 9 को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस एक्टिविटी, देन यू कैन आस्क ऑन माय पर्सनल नंबर, ओके। तो द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन मूव टूवर्ड्स द नेल विच इज कनेक्टेड टू, इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, इस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, यानी कि जो सोल्यूशन ब्रेक हो रहा है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि कैथोड एनोड की बात लिखी हुई है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहते हैं ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ेगा उसको हम एनोड बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ेगा उसको हम कैथोड बोलेंगे। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है द आयरन नेल विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जो भी पोर्शन हम वायर का ले आके जोड़ेंगे वो हो गया कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको हमने जोड़ा वो हो गया एनोड। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ रॉड और आयरन विद अ लेयर ऑफ कॉपर इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आयरन नेल पर कॉपर की प्लेटिंग की जाए तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। Thus a flower vase made of iron can easily be electroplated by the process of electrolysis. बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। The method of coating of one metal over the other metal with the help of electricity is called electroplating. एक metal पे दूसरे metal की plating अगर हम करें electricity, electric current flow करा के, तो उस process को बोलेंगे electroplating. This is usually done to make the object more attractive. ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, अट्रैक्टिव दिखेगा तभी तो ज़्यादा बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टील इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन टू मेक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग फूड, ठीक है। टिन इज एन इनर्ट मेटल एंड सो इट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन,
तो आयरन के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, क्योंकि टिन बहुत कम रिएक्शन करता है किसी भी फूड आइटम से और आयरन रिएक्ट करता है। तो अगर हमने प्लेटिंग कर दिया टिन का तो ये हो गया, सेफ हो गया आपका फूड इसके भीतर। सिल्वर कटलरी इज यूज टू मेक ऑफ ब्रास विच इज लेस एक्सपेंसिव एंड स्ट्रॉन्गर। ब्रास इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर, ब्रास में सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है। किचन गैस बर्नर, कार पार्ट लाइक बम्पर एंड डोर हैंडल्स, हैंडल बार्स ऑफ बाइसिकल, बाथ टैप एंड टॉवल रेल एट्सेट्रा आर कोटेड विद अ थिन सिल्वरी लेयर ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के लेयर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है बाइसिकल के हैंडल पे, बाथ टैप पे और कार के पार्ट्स पे, डोर के हैंडल्स पे की जाती है, जिससे वो अट्रैक्टिव दिखे और इनमें कोरोजन ना हो, क्योंकि क्रोमियम डज नॉट ईजिली गेट कोरोडेड। क्रोमियम पे कोरोजन नहीं होता, ठीक है, इसलिए भी प्लेटिंग की जाती है। इट कैन बी पॉलिश्ड टू मेक इट मोर ब्राइट, इट डज नॉट ईजिली गेट स्क्रैच और वियर आउट एट फॉर्म ऑफ हार्ड लेयर। ये सारी इसमें पॉजिटिवनेस है। सम ऑर्नामेंट विच आर मेड ऑफ लेस एक्सपेंसिव मेटल आर ऑल्सो इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर और गोल्ड बाई ज्वेलरी मेकर। ये बात हम आपको बहुत देर से बता रहे हैं कि ज्वेलरी मेकर्स जो होते हैं, गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, वो बहुत जो लीस्ट एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं उनके ऊपर एक्सपेंसिव मेटल्स की प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे वो अट्रैक्टिव दिखे और ज़्यादा दिखे चले। तो बाई कंप्लीटिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन इन दिस चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर। ओके, इन माई नेक्स्ट वीडियो यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ बुक एक्सरसाइज। योर टूडेज होमवर्क इज राइट वर्ड मीनिंग, रिवाइज कंप्लीट चैप्टर पहला, राइट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर इन CW कॉपी दूसरा, और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे राइटिंग वर्क ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। Book exercise we will do in next online class. Okay students, I think all of you understood about the chemical effect and magnetic effect of electric current. Thank you class earth, enjoy a good day.